गणेश चतुर्थी आज गणपति बप्पा के दर्शन की जारी, आज से 10 दिन तक चलेगा धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव। गणेश उत्सव को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 2500 अफसर और 13000 पुलिसकर्मी मुंबई में तैनात, भीड़भाड़ वाली जगह पर खास नजर रखने के आदेश। मुंबई में सुबह 6 बजे से लालबाग के राजा के दर्शन जारी, सुबह 4 बजे की गई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, पंडाल में श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल सुविधा का भी इंतजाम। मंडपों में विराजे गणपति बप्पा, दक्षिण मुंबई की खेतवाड़ी इलाके में बने मंडप को अयोध्या में बने राम मंदिर के गर्भगृह का स्वरूप दिया गया है, 3 महीने में तैयार किया गया मंडप। गणपति के दर्शन के लिए पहुंचने लगे सेलेब्स, बप्पा का लिया आशीर्वाद, श्री सिद्धि विनायक मंदिर में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने पूजा अर्चना की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 32 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, जुलाना से विनेश फोगाट, गढ़ी सांपला से किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस की लिस्ट में विनेश सहित 3 नए नाम, जेजेपी से कांग्रेस में आए रामकरण को शाहबाद से कांग्रेस में शामिल हुए निर्दलीय को विधायक धर्मपाल गोंडर को नीलोखोरी से प्रत्याशी बनाया गया। होडल से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान लड़ेंगे चुनाव, लाडवा से कांग्रेस ने मेवा सिंह को मुख्यमंत्री नायब सैनी के खिलाफ मैदान में उतारा। कांग्रेस ने अधिकतर जाट नेताओं को दिया टिकट, 2 ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, एससी वर्ग के 8 लोगों को बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस के सभी मौजूदा विधायक लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, जेल में बंद सुरेंद्र पवार को सोनीपत से टिकट, जुलाई में ईडी ने किया था गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीसी ने 71 सीट के उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान, आज तक किसी सांसद को नहीं दी गई विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत। बीजेपी ने कांग्रेस की लिस्ट पर साधा निशाना, एक्सपोस्ट करके कहा कि बैठक के बाद सिर्फ 31 उम्मीदवारों की लिस्ट निकाल पाई कांग्रेस, ये दिखाता है कि हरियाणा कांग्रेस की हालत खराब है। कांग्रेस ने हरियाणवी स्टाइल का सॉन्ग जारी कर बीजेपी के 10 साल के शासन पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने झूठी कसमें खाई और अब जवाबदेही से भाग रहे हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने थमा कांग्रेस का दामन, कांग्रेस में शामिल होने से पहले रेलवे की नौकरी से दिया इस्तीफा, भारतीय रेलवे का जताया आभार। राहुल से मुलाकात के बाद 4 सितंबर को रेलवे ने दिया था विनेश फोगाट को नोटिस, किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर पूछा था सवाल, कहा था स्थिति स्पष्ट करें। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोली विनेश फोगाट, कहा कांग्रेस में शामिल होने पर मुझे गर्व है, कांग्रेस ने पहलवानों के दर्द को समझा। बजरंग पूनिया का बीजेपी पर वार, कहा बुरे वक्त में बीजेपी ने हमारा साथ नहीं दिया, बीजेपी का काम सिर्फ राजनीति करना, हम देश और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया को कांग्रेस में शामिल होते ही मिली बड़ी जिम्मेदारी, कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोले बजरंग पूनिया, किसान खिलाड़ियों के आंदोलन को मिलेगी मजबूती, क्योंकि हम एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़े हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ती है। विनेश बजरंग की राजनीति में एंट्री पर बोली साक्षी मलिक, कहा ये दोनों का निजी फैसला है, आंदोलन को गलत रूप ना दे, महिलाओं के लिए आंदोलन जारी रहेगा। बजरंग पूनिया ने कहा जो गलत चीजें हो रही हैं उसके खिलाफ आवाज उठाना हर देशवासी का फर्ज है, खट्टर साहब तब कहां थे जब बेटियां बैठी थी। विनेश और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन होने पर बोले हरियाणा के सीएम नायब सैनी, किसी विचारधारा से जुड़ने को लेकर हर किसी की अपनी राय होती है, विनेश फोगाट प्रदेश और देश की बेटी है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कांग्रेस में शामिल होने के बाद लोगों को उनके इरादों के बारे में और अधिक स्पष्टता मिली। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन पर पीच फंस गया है, सूत्रों के मुताबिक टूटने की कगार पर है बातचीत, सीटों की संख्या में नहीं बन पा रही सहमति, 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बोले राघव चड्ढा, कहा अभी चल रही है बातचीत, हमें उम्मीद है कि देश के हित में हरियाणा के हित में गठबंधन हो सकता है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि चल रही है आम आदमी पार्टी से बातचीत, आपके 50 सीटों पर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा ये उनका सोचना है।
हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बयान, उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं होगा बदलाव। टिकट न मिलने से नेताओं की नाराजगी पर कहा, सबकी होती है टिकट पाने की इच्छा, लेकिन एक ही हो सकता है प्रत्याशी। बीजेपी हाईकमान ने टिकट नहीं बदला तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे करणदेव कंबोज। 36 बिरादरी की मीटिंग बुलाकर मांगा सहयोग, कहा पार्टी ने एक गद्दार को टिकट दिया। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर मंच पर भावुक हुए पूर्व विधायक नरेश कौशिक। छोटे भाई दिनेश कौशिक को बताया अहंकारी, बीजेपी ने दिनेश कौशिक को बनाया है बहादुरगढ़ का प्रत्याशी। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोले जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला, उनका राजनीति में स्वागत है। अगर ओपी चौटाला से डाबावली से लड़े चुनाव तो नहीं लड़ूंगा चुनाव। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बीजेपी ने मंजू हुड्डा को बनाया प्रत्याशी। हिटर रहे हैं मंजू के पति। मंजू हुड्डा ने कहा ये उनका पास था, उन्होंने अपने पति से गलत के खिलाफ आवाज उठाना सीखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन, आज रैली को करेंगे संबोधित, बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। अमित शाह का बड़ा बयान, कहा पहले अलगाववाद के आगे नतमस्तक थी सरकारें, पहले होती थी तुष्टिकरण की राजनीति। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। अमित शाह ने कल जम्मू कश्मीर में की थी बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत। दो दिवसीय दौरे पर शाह आज जम्मू में बड़ी रैली का आयोजन। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने किए 25 संकल्प, घोषणा पत्र में दो मुफ्त सिलेंडर का वादा। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की है। खड़गे, सोनिया, राहुल और प्रियंका का नाम लिस्ट में शामिल। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुल 40 लोगों के नाम शामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा बाकी मुल्क में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो हम कोई छिपा नहीं है, हमें जम्मू कश्मीर को उन हालातों से बचाना है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना, कहा पिछले 3 से 4 साल राज्य का दर्जा बहाल होने, चुनाव नहीं लड़ने की कर रहे थे बात, अब दो दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। जीपीसी की बैठक में पक्ष विपक्ष के सांसदों के बीच हुई बहस, सूत्रों के हवाले से खबर। विपक्षी सांसदों ने उठाया वक्फ की संपत्ति पर सरकारी महकमे के कब्जे का सवाल। सूत्रों के मुताबिक जकात फाउंडेशन और तेलंगाना वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग भी कमेटी के सामने पेश हुए, केंद्र सरकार के बिल का सिरे से किया विरोध। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की बैठक, एसआई अधिकारियों ने उन जमीनों और इमारतों की जानकारी दी जिनको लेकर चल रहा है वक्फ बोर्ड से विवाद। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर लोगों से राय देने की अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना खालिद रशीद परंगी महली ने लखनऊ की मस्जिदों में लगाए बार कोड। यूपी में सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत तेज, जौनपुर में मंगेश यादव के घर पहुंचा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, बीजेपी पर यादवों को निशान बनाए जाने का आरोप लगाया। यूपी में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत तेज, अखिलेश यादव पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने पलटवार किया, कहा अखिलेश यादव अक्सर बचकानी हरकतें करते रहते हैं। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा एनकाउंटर पर एसपी सुप्रीमो कर रहे राजनीति, पुलिस आधार कार्ड देखकर कार्रवाई करेगी क्या। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज यूपी दौरा, गोरखपुर में सैनिक स्कूल का करेंगे उद्घाटन, चित्रकूट में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन, पीएमसीएच पटना का करेंगे दौरा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। जेपी नड्डा के सामने नीतीश कुमार ने फिर एनडीए नहीं छोड़ने की कही बात, बोले हमसे गलती हुई, आरजेडी के साथ गए, अब इधर उधर नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री सीताराम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार के बयान पर कहा सीएम नीतीश कुमार में आई है परिपक्वता, वो दो बार आरजेडी के साथ जाकर खामियाजा भुगत चुके हैं। बंगाल के राज्यपाल ने अपराजिता विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा, महिलाओं के उत्पीड़न और बलात्कारों के मामलों में दोषी को कठोरतम सजा देने का प्रावधान है, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने किया था पास। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला, ममता सरकार और सीबीआई के खिलाफ आज प्रदर्शन। गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी का ममता बनर्जी पर निशाना, अगर पुलिस ने क्राइम सीन पर तत्काल एक्शन लिया होता तो उस बेटी को जरूर न्याय मिलता। कोलकाता केस को लेकर गुजरात के सीएम पर ममता बनर्जी पर हमला, कहा ममता दीदी सिर्फ बोलने से नहीं एक्शन लेने से काम होगा। संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, आरजीकर में भ्रष्टाचार और रेप मर्डर केस की अलग जांच की मांग खारिज।
कोलकाता रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का डीएनए मैच, सूत्रों का दावा मौके से जब्त दूसरी चीजों से भी डीएनए मैच हुआ। संदीप घोष के करीबी प्रसून चटर्जी के घर पर भी ईडी का छापा, सेमिनार हॉल के वायरल वीडियो में दिखे थे प्रसून चटर्जी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आवास पर ईडी का छापा, संदीप घोष की पत्नी ने कहा वो निर्दोष हैं और वक्त के साथ ये साबित हो जाएगा। आरोपी संदीप घोष के बचाव में उत्तरी पत्नी सभी आरोपों को बताया झूठा। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बीजेपी ने किया चक्का जाम, न्यू टाउन के वीआईपी रोड को बीजेपी समर्थकों ने ब्लॉक कर दिया। कोलकाता रेप हत्या मामले के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साधा निशाना, कहा मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर वन। भीलवाड़ा के निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी की सदस्यता पर सवाल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदस्यता खत्म करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। मध्य प्रदेश में 20 सितंबर को कांग्रेस करेगी बड़ा आंदोलन, किसान यात्रा के नाम से करेगी आंदोलन। केरल के कन्नूर में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। लखनऊ में लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों का हल्ला बोल जारी, पांचवें दिन शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। आज भी तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, पूर्वी राजस्थान गुजरात कोंकण और गोवा में बारिश की चेतावनी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई सर्वेक्षण किया, बाढ़ बारिश के चलते बोधमेरु धाम में आई दरार का जायजा लिया। अमरावती में सीएम नायडू ने की बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा, दमकल की गाड़ियों का उपयोग करके सड़कों कॉलोनियों और प्रभावित घरों की सफाई की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश। आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचा रही है नायडू सरकार, बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद देने की कोशिश में जुटा प्रशासन। तेलंगाना में भी बाढ़ का कहर जारी है, राज्य के कई इलाके इस वक्त बाढ़ से हैं प्रभावित। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से कई इलाकों में भारी नुकसान, फ्लड रिलीफ के लिए वाईएसआरसीपी नेताओं ने एक महीने का वेतन दिया। उदयपुर में बहे बुजुर्ग का एक दिन बाद मिला शव, बारिश में पुलिया पार करते वक्त हुआ था हादसा। हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश, हरियाणा के पंचकुला में भारी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूबी। कड़ी मशक्कत के बाद सोलन के बालद नदी में फंसे शख्स की बची जान, फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों ने रस्सी की मदद से निकालने की कोशिश की। बांसवाड़ा में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, यातायात प्रभावित, घाटोल में NH-56 पर बारिश के बाद जल निकासी का नहीं है इंतजाम। राजस्थान की भीलवाड़ा में पानी के तेज बहाव में फंसकर बही कार, कार में सवार लोगों की स्थानीय लोगों ने बचाई जान। राजस्थान के अजमेर में शहर में भारी बारिश के कारण जलभराव के हालात, कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न। राजस्थान में बारिश के बाद कई शहरों में हाल बेहाल, अजमेर समेत कई जगहों पर सड़क से लेकर दुकानों तक पानी ही पानी। राजस्थान के नारगढ़ की पहाड़ियों पर भटके एक युवक का मिला शव, दूसरे भाई की तलाश जारी, रविवार सुबह चरण मंदिर में गए थे दोनों भाई। पुलिस के मुताबिक दोनों ने परिजनों को फोन करके रास्ता भटकने की जानकारी दी थी, मांगी थी मदद, देर रात शुरू किया गया था तलाशी अभियान। परिजनों का आरोप पुलिस को तुरंत दी गई थी जानकारी, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया, जब थाने पर पहुंची भीड़ तब शुरू हुआ तलाशी अभियान। वन विभाग के जनरल मैनेजर संजय कुमार पाठक का बयान, कई बार बदल जाती है भेड़ियों की संख्या, पुष्टि के लिए लगाए गए कैंपे। बहराइच में भेड़िए के हमले पर यूपी वन विभाग जनरल मैनेजर संजय कुमार पाठक की अपील, अफवाह न फैलाएं, कई बार भेड़िया होने की जानकारी गलत निकली। यूपी के बाद अब एमपी में भी भेड़िए का आतंक, खंडवा में सोते हुए परिवार पर हमला, एक महिला सहित 5 लोग घायल। शिमला के संजौली में मस्जिद पर विवाद, आज मामले में नगर निगम आयुक्त के कोर्ट में सुनवाई। मस्जिद के इमाम शहजाद ने कहा कि असल में ये सब दो युवकों के गुटों में झगड़े से शुरू हुआ, आजादी से पहले की ये मस्जिद है, अदालत का होगा जो भी फैसला वो हमें मंजूर होगा। अनाधिकृत और अवैध निर्माण पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखिंदर सुक्खू ने कहा, चाहे कोई भी सरकार सत्ता में हो, सभी ने इस तरह के निर्माणों पर अपनी आंखें मूंदे रखी। हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने की अपील, धैर्य रखे, सरकार आप लोगों की है, जो भी इमारत अवैध है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी के हाथरस में हुए सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत, 13 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक, घायलों के समुचित इलाज के लिए निर्देश। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे में मौत पर दुख जताया, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती और संपत्तियों को पट्टे पर देने में गड़बड़ी का आरोप, 9 सितंबर तक बढ़ी आप विधायक अमानतुल्ला खान की ईडी हिरासत। यूपी के बागपत में रेप पीड़िता के पिता को गोली मारी, जमानत पर जेल से बाहर आए रेप आरोपी पर फायरिंग करने का आरोप। दिल्ली में एक सरकारी स्कूल के टीचर पर बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप, आरोपी टीचर हुआ गिरफ्तार।